हाय गाइज, मैं आशीष चौधरी, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल NMP क्लासेस में। दोस्तों, ITI के एग्जाम के अनुसार आज हम पढ़ेंगे दीर्घवृत्त इलिप्स का निर्माण। पहला विधि हमारा है समकेंद्रीय विधि द्वारा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। समकेंद्रीय विधि द्वारा आज हम दीर्घवृत्त इलिप्स का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसका। देखिए, दो नियम होता है, एक होता है समकेंद्रीय विधि, दूसरा होता है आयताकार विधि। पहले हम समकेंद्रीय विधि को समझेंगे, उसके बाद आयताकार विधि को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे मेन इसमें क्या ध्यान देना है कि यदि क्वेश्चन में D1 और D2 का मान दे दिया रहेगा, D1 उसका होगा डायमीटर या त्रिज्या, क्योंकि समकेंद्रीय वृत्त में दो वृत्त बनेंगे जिनकी D1 और D2 देना चाहिए या नहीं दिया रहेगा। ठीक है, यदि नहीं दिया रहेगा तभी भी अपने मन से लेना है। यदि एग्जाम में D1 और D2 का मान दिया है तो उसके अनुसार वृत्त का निर्माण करेंगे और उसके अंदर दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं कि D1 बराबर 100 mm और D2 बराबर आपका हो जाएगा 70 mm। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमने यहाँ क्या है मान लिया है, यदि एग्जाम में दे दिया है D1 और D2 का मान तो उसके अनुसार वृत्त का निर्माण करेंगे, यदि नहीं दिया है तो अपने अनुसार मान लेंगे 100 mm 70 mm। अब देखिए, हम दो वृत्त बनाएंगे जिसकी केंद्र का होगा एक ही होगा। समकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, समकेंद्रीय मतलब जो भी वृत्त होंगे उनका केंद्र का होगा एक ही होगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं वृत्त को। देखिए D1 हमारा दे दिया है 100, यदि R निकाला जाए इसका तो D के का होगा आधा होगा 50 mm, ये फार्मूला आप जानते होंगे। D2 का अगर R निकाला जाए त्रिज्या, ठीक है, तो 70 का आधा क्या होगा 35 mm, ये हो जाएगा। कंपास लेंगे, कंपास में सबसे पहले 50 mm की दूरी लेंगे। देखिए हमने इसको सेट कर दिया 5 से 0 तक, हो गया 50 mm। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ले लिए हैं। अब एक वृत्त का निर्माण करेंगे। देखिए कॉपी, हमने कंपास का सेंटर ले लिए हैं, अब एक वृत्त का निर्माण करेंगे जिसकी त्रिज्या कितना है 50 mm और डायमीटर की बात किया जाए तो है 100 mm। देखिए एक वृत्त बन गया। अब इसी पे R2 मतलब D2 जो व्यास है उसकी त्रिज्या लेना है 35 mm, फिर स्केल को लेंगे और उस पर सेट करेंगे 35 mm। स्केल में हम 35 mm सेट कर चुके हैं। अब पुनः एक वृत्त का निर्माण करेंगे जिसका केंद्र का होगा, जो बड़े वाला वृत्त था सेम टू सेम छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र वही होगा, तभी हमारा कहलाएगा समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, ये हमारा वृत्त बन चुका है। अब करना क्या है हमें, इस वृत्त को कम से कम 8 बराबर भागों में और अधिक से अधिक 12-16 कर सकते हैं। ठीक है, 8 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखिए पहले हमने इसको कर दिया 2 में, पुनः इसको कर दिए 4 में, अब करना है 8। तो कंपास ले लेंगे क्योंकि हम जानते हैं 90° का कोण बनाता है और इसका अर्धक कितना हो जाएगा 45°। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से हम 45° का कोण बना देंगे। कोण यदि आपको नहीं बनाना आता है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको कोण बनाना बताया गया है। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का ITI ड्राइंग का आपको वीडियो देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ सभी वीडियो आप उपलब्ध हैं। ठीक है, देखिए हमने पॉइंट लगा दिया ये 45° के, फिर ऐसे स्केल लेंगे और इसको कर देंगे डिवाइड 2 बराबर भागों में। अब इसको ए भी 90° का कोण बन है तो इसको भी क्या करेंगे 45° के कोण पे विभाजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 45-45° के 2 कोण बन जाएंगे और आसानी से हमारा यह वृत्त 8 बराबर भागों में डिवाइड हो गया।
जो आपको दिख रहा होगा। अब देखना क्या है, जो बड़े वृत्त हैं ध्यान दीजिएगा, उनको जो रेखाएं टच कर रही हैं, जो अर्धक हैं, उनको आपस में डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए यह बिंदु इस बिंदु को आपस में डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर पुनः इधर जो बाहर टच कर रही हैं उसको डॉटेड लाइन से आपस मिला देंगे। ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया। अब देखेंगे जो छोटे वाले वृत्त को जहाँ क्रॉस कर रहा है, देखिए छोटे वाले वृत्त को यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो इनको आपस में मिला देंगे, मिल गए, ठीक है। पुनः नीचे जहाँ क्रॉस कर रहा है छोटे वृत्त को, मिला दिए, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। और ये देखिए ये क्वेश्चन आपके इंजीनियर ड्राइंग में बहुत बार आया है, ठीक है। देखिए अब इसके पॉइंट पे बिंदु लगाएंगे, यहाँ पॉइंट पे, और अंदर वाले वृत्त पे भी पॉइंट लगाएंगे, और ये दूसरे की रेखाएँ जहाँ काटी है वहाँ पॉइंट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस किए हैं रेखाएँ, यहाँ पर क्रॉस किए रेखाएँ, और यहाँ पर क्रॉस किए, ये हमारे सही बिंदु प्राप्त हो गए, जिससे हम अब दीर्घवृत्त को आसानी से मिला देंगे। देखिए फ्री हैंड ही इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाना है, फ्री हैंड। देखिए ऐसे आपको हाथ को घुमाते हुए फ्री हैंड उस बिंदु से क्रॉस करते हुए सभी बिंदु, देखिए यहाँ बिंदु था फिर हमारा कहा यहाँ, इसको ऐसे क्या करेंगे, मिला दिए, फिर ले जाएंगे, आपका बिंदु यहाँ है, पुनः यहाँ है, फिर लाएंगे इसको यहाँ, फिर देख रहे हैं यहाँ लाना है, तो फिर रेखा को बढ़ाते हुए इसको टच कराते हुए कहाँ ले जाना है, यहाँ पे, यहाँ आ गया, फिर कहाँ ले जाना है जहाँ से स्टार्ट किए थे। देखिए ये हमारा बन गया दीर्घवृत्त, ये जो ब्लैक लाइन खींच रहे हैं ये हमारा दीर्घवृत्त बन रहा है, ठीक है। आप जब बनाएंगे इससे अच्छा बनेगा, ठीक है। इसको फिर हैंड ही मिलाना है, ये बन गया दीर्घवृत्त, दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या मेथड है दीर्घवृत्त बनाने का। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, समकेंद्री वृत्त विधि द्वारा। अब बनाते हैं आयताकार विधि द्वारा, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, यदि आप इस चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आने सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। क्योंकि यदि आप ITI के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ITI के मैथ, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर ड्राइंग के सही वीडियो इस पर उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल अब तक इंजीनियर ड्राइंग चल रहा है, कुछ ही दिनों में मैथ भी चलेगा। देखिए और आपको ये लाइन जो खींचना है ना, सिर्फ एक बार खींचना है। देखिए हमारा पेन अभी नया है इसलिए चल नहीं रहा था, हमको दो बार यहाँ पर चलाना पड़ा, लेकिन आप जो लाइन खींचेंगे सिर्फ ओनली एक बार ऐसे खींचते चले जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आयताकार विधि द्वारा कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों जब आयताकार विधि कहेगा, आयताकार विधि द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण करना, तो उसमें आपकी आयत की दो भुजाएं देंगे, क्या होगा, भुजाएं, क्या दिया रहेगा, भुजाएं क्रमशः मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए भुजाएं दे दिया है 100 mm, 80 mm। यदि नहीं दिया रहेगा, सिर्फ कह देगा कि आयताकार विधि द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण कीजिए, तो आप वहाँ भुजाएं मान लेंगे, ठीक है। यदि दिया रहेगा तो कोई बात नहीं। अब देखिए हम सबसे पहले आयत का निर्माण करेंगे। आयत देखिए, आयत की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने बराबर होती हैं, तो यहाँ दिया है दो भुजा 100 mm, 80 mm। सबसे पहले हम लंबाई में खींच लेते हैं 100 mm का। देखिए यहाँ से गए 10 तक, 10 सेंटीमीटर बराबर 100 mm। फिर इसकी चौड़ाई खींच देंगे। देखिए दोस्तों जो हम यहाँ दूरी लिए थे भुजाएं 100 mm, 80 mm, जब उस माप का बना रहे थे
तो इसमें बहुत मीडियम छोटा छोटा आ रहा था, इसलिए हमने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया। इसको ले लिया है 150 mm, इसको ले लिया है 90 mm, ठीक है। इस पर भी बना सकते हैं या जो दूरी दिया रहेगा उस पर बना देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले इस रेखा को दोबारा भागम कर देना। देखिए यह 150 है, तो 150 का आधा कितना हो जाएगा, ज़रा कमेंट में सभी लोग लिखिएगा, देखेंगे 75 हो जाएगा। 75 पे एक रेखा खींच देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसका दूरी लिया हम 90 mm, 90 mm का आधा कितना हो जाएगा, 45 mm, ठीक है, ये हो गया। अब करना क्या है आपको कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, मतलब जो चौड़ाई दिया है, इसको आपको 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है और इस रेखा को भी 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस रेखा को भी 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है और इस रेखा को भी 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं, यदि यह 90 mm है और 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो यदि 90 है तो 10 में भाग देंगे तो कहा जाएगा 9 mm का, प्रत्येक रेखा की लंबाई कितना आ जाएगा, 9 mm, ठीक है। तो स्केल लगा के भी आसानी से कर सकते हैं 9 mm का। तो चलिए इसको हम कर देते हैं डिवाइड, या तो आसान तरीका है, ए बार 9 mm नाप लीजिए और कंपास से चाप काटते हुए चले जाइए। देखिए हम कंपास पहले 9 mm का एक चाप लगा दिए हैं, इसी दूरी को माप लेंगे और ऐसे चाप काटते काटते चले जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, दिख रहा चाप ना, ऐसे काटते हुए इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। देखिए हमारा चाप कट चुका है, तो इसका नंबरिंग करेंगे। देखिए जो मध्य बिंदु है यहाँ से 0 लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 0 से फिर इधर आएंगे 1, 2, 3, 4, ए लाइन आ जाएगा 5, ऐसे कर देंगे। पुनः इस बीच वाले रेखा को 10 बराबर भागों में ऐड करना है, ये टोटल कितना पड़ रहा है, 150, और 150 में जानते हैं अगर 10 बराबर भाग करना हो तो आ जाएगा 15 mm, मतलब प्रत्येक भाग 15 mm का। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 15 mm का निशान लगा लेंगे और कंपास में क्या करेंगे उसके अनुसार सेट कर देंगे, जिससे क्या होगा बार बार आपको स्केल नहीं चलाना पड़ेगा, समझ रहे ना जी। देखिए अब 0 है, इसका नंबरिंग कर देना 1, 2, 3, 4, 5। देखिए सिर्फ हम एक पार्ट बनाएंगे और सेम टू सेम जो प्रक्रिया इस साइड होगा वही प्रक्रिया का होगा इधर होगा, ठीक है। एक बना देते हैं, दूसरा आप लोग बना लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी कारण इस पार्ट को हम बना देते हैं और दूसरा पार्ट सेम टू सेम बना दीजिएगा, एक दीर्घवृत्त का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। अब करना क्या है आपको, अब इस कॉर्नर को पकड़ना है, ठीक है, इसको कॉर्नर को, और इनको सभी पॉइंट से मिलाना है रेखा, इसी कॉर्नर से, ठीक है। देखिए एक से मिलाए, फिर पुनः 2 को, ऐसे 3, 4 ऐसे मिलाते चले जाएंगे। पुनः देखिए हमने इसको मिला दिया, फिर इस कॉर्नर पकड़ेंगे, फिर इन पे मिलाएंगे 1 को, देखिए सभी कॉर्नर से मिला दिए हैं। अब इन्हीं कॉर्नर से अब इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है कि इस कॉर्नर से ले जा रहे हैं तो एक से ले जाएंगे तो एक वाले रेखा पर ही रोक देंगे। देखिए एक से ले जा रहे हैं तो एक वाले रेखा पर क्या है, हम देखिए इस क्रॉस एक से क्रॉस करेंगे और एक पे जाकर रुक जाएंगे, एक से गए और एक पे रुक गए। पुनः इसी 2 से जाएंगे, 2 पे रुक जाएंगे, ठीक है। देखिए यहीं से एक पे गए, एक पे रुक गए, 2 से गए, 2 पे रुक गए, 3 से गए, 3 पे रुक जाना है, 4 से गए, 4 पे रुक जाना है, 5 तो हमारे का ऑलरेडी है। पुनः अब इस केंद्र से, इस पॉइंट से इसको क्रॉस करते हुए एक से एक पे आना है, वही प्रक्रिया उल्टा दोहराना है,
देखिए दोनों कॉर्नर से इसको मिला दिया है, ठीक है। अब करना क्या है, आपके जीरो से उठाना है और सभी आखिरी बिंदु को ऐसे मिलाते चले जाना है फ्री हैंड, ठीक है। पुनः जीरो से जहाँ जहाँ आखिरी बिंदु है उससे लेते चले जाना है और मिला देना है इसके अंदर पे। देखिए यह दीर्घवृत्त का एक साइड का हो गया, तैयार हो गया। दूसरी साइड पुनः जब हम यही प्रक्रिया इस साइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्या होगा, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और हमारा दीर्घवृत्त बन जाएगा। दोस्तों पुनः यही काम करना था, तो सेम टू सेम यही जो वर्क इधर हुआ है वही वर्क इधर कर देना है और हमारा बहुत अच्छा बहुत अति सुंदरम दीर्घवृत्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड होगा उसको देख लीजिएगा, जिसमें प्रोजेक्शन को पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्शन जो ITI में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधे 35 नंबर का आता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। यदि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि कोई भी वीडियो डाले सबसे पहले आपको पहुँचे नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।